फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि ये करी लीव्स का प्लांट और प्लूमेरिया ये निकाल के यहाँ पे मैं एक लेमन का और प्लांट लगाऊं। तो मुझे नर्सरी में एक बहुत अच्छा प्लांट मिला जिसमें कि लेमन लगे हुए थे, जिससे मुझे ये पता चल गया कि अच्छे साइज़ वाली वैरायटी है और फ्रूट भी अच्छा लेगी ये। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ले लिया और अभी ये निकालते हैं गाड़ी से। इसकी हाइट जो है मोर देन 6 फीट है अभी से, तो थोड़ा सब जितना बड़ा प्लांट होगा थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हम ट्राई करेंगे कि ये सक्सेसफुली लग जाए। आप भी देखें प्रोसेस, आपको भी हेल्पफुल होगा। लाने के लिए देखें, इसको बांध के लाएं, लेमन भी ना झड़ जाए तो कुछ खूबसूरती रहे। ये देखें, ये मोर देन 6 फीट है और लेमन का साइज भी बड़ा हेल्दी है इसमें। लेमन जो है वो हर घर की ज़रूरत होता है। तो अभी ये पहले जो है करी लीव्स ये निकालेंगे, उसके बाद प्लूमेरिया निकालेंगे, फिर वहाँ पे ये लेमन रखेंगे। तो आप प्रोसेस देखें किस तरह हम करते हैं। ये भी हमने निकाल लिया है रूट के साथ ही। ये करी लीव्स सोसाइटी में कहीं भी लगा देंगे, पहले भी बहुत लगे हुए हैं, जब जरूरत होगी तो वहां से ले सकते हैं आप। अच्छा खासा बड़ा प्लांट हो गया ये। मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही किसी ने टहनी तोड़ के फेंकी थी, तो मैंने इधर आके लगा दी यहाँ पे। तो ये अभी ग्रो हो गई है, तो इसको मैं फिर पायर सोसाइटी में कहीं लगवा रहा हूँ। ये तो आसानी से निकले क्योंकि इतना ज़्यादा तो इसका बड़ा प्लांट नहीं था, सिर्फ रूट ही डेवलप हुई थी। ये ओरिजिनल जो मट्टी से निकाला हुआ लेमन है, इसको आराम से आपने रखना है कि जो मट्टी साथ लगी है वो गिरे नहीं, और सेंटर करना है, सीधा भी लगाना है। एक्चुअली चूँकि ये बांधा हुआ प्लांट, उसको उनको थोड़ा खोलना पड़ेगा। ये खोल के देखते हैं कि इसका बैलेंस किस तरह है, किधर कौन सी टहनी है, तो तब से ही पता चलेगा। कटर से आसानी से खुल गए हैं। ये मुझे 500 का मिला है, ये प्लांट 600 मांग रहे थे, 500 में खुद ही उन्होंने फिर डिस्काउंट कर दिया। ये एक ट्राई कर रहे हैं पत्थर चट जो प्लांट होता है ना, डंकी ईयर शायद इसका नाम है इंग्लिश में। थोड़े से ये कट करके डालेंगे, थोड़ा सा एलोवेरा डाल देते हैं। एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो आप हर प्लांट में इसके पीसेस डाल सकते हैं जब भी कोई लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं।
छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। लेमन का आप अचार भी डाल सकते हैं, और वैसे भी आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मेरा तो ज़्यादातर या फिश बनाने में लग जाता है। या जूस बना के वो पीते हैं। तो ये तो जो चाइना लेमन है पूरा साल इसमें लगते रहते हैं, तो हमें ऐसे ही चाहिए जो हाँ जब ज़रूरत हो हमें अपना फ्रेश लेमन मिल जाए घर से। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाला है, अगर आपके पास नीम खली है वो डालें, अगर आपके पास कॉर्न मील है वो डाल दें, तो वो लॉन्ग रन स्लो इसको देती रहेगी खुराक, प्लांट को देते रहते हैं। जो फर्स्ट ऊपर की सेल होती है उसको अलग रखना चाहिए और वो यूज़ करनी चाहिए। इसमें पहले पानी डालें ताकि जो भी सॉइल है या नीचे कोई एयर पॉकेट है तो वो ये मिट्टी नीचे जाके फिल कर ले और एयर को बाहर निकाल दें। तो एयर पॉकेट ख़त्म करनी ज़रूरी होती हैं। अच्छी तरह पानी देंगे तो पानी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। बाद में जितनी लेवल आपने पानी रखना है मिट्टी का वो भी डाल सकते हैं बाद में। ये थोड़ी सी इसकी लेमन उतार के ड्रेसिंग करेंगे। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, हमने जो लेमन 6 फीट मोर देन 6 फीट का ग्राउंड में लगाया है, होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो साइज चेक करें लेमन का, बड़े अच्छे साइज के लेमन है तभी मैंने ये प्लांट लिया है, ताकि ये वैरायटी अगर कोई डिफरेंट है तो वो हमारे पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।